بسم الله الرحمن الرحيم سنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار मोहतरम भाइयों और मोज़ खवा फ़िके इस्लामी से मुतक़ हमारा ये दर्स जो निकाह तलाक़ के मसाइल और इसी से जुड़े हुए दूसरे जो मसाइल हैं उसके बारे में यह दर्स आपके सामने पेश होता रहा है इसी निकाह से मुत ही एक और बहस होती है एक और कुछ मसाइल होते हैं इसी के साथ मुहदसिन ये मसला भी जिक्र कर देते हैं जिसे हम मसले रबात कहते हैं रबात का मसला तो अब आपके सामने रबात का मसला नफकत के मसाइल आपके सामने आए पिछले दो रोज में बीवी के खर्चे को लेकर के अब जो है आपके सामने मसला है क्या। ये बात तो हर किसी को पता है कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनसे निकाह करना जायज नहीं होता है और इसी लिहाज से उसे महारिम से ताबीर किया जाता है और महरम कहा जाता है तो रजात से भी निकाह की हरबत साबित होती है अगर दूध पिलाते कोई औरत किसी को दूध पिला देती है तो रजात से भी एक रिश्ता साबित होता है तो ये दूध पिलाने के मसाइल पूरे तरीके से ये जो निकाह के साथ इसको पेश किया जाता है तो उसका मसला यही होता है ताल्लुक उसका यही होता है कि चूंकि दूध वाले रिश्ते भी दूध से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं इसको भी अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रजात से भी रिश्ते वो रिश्ते हराम होते हैं जो रिश्ते नसब से हराम होते हैं नसब के लिहाज से जो रिश्ते हराम होते हैं वैसे ही अगर रजात हासिल हो जाए तो वो रिश्ते भी हराम हो जाते हैं यानी फिर उनसे जो रिश्तेदारी बनती है रजात की दूध की इस रिश्तेदारी से भी वो रिश्ते हराम होते हैं वो भी महरम में आ जाते हैं उनके साथ निकाह करने का मसला आ जाता है जायज़ नहीं रहता है तो इसी लिहाज से ये रज़ात यानी दूध पिलाने का मसला सबसे पहले ये बात आपके सामने अर्ज कर दूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मसला बहुत ज्यादा हुआ करता था आज के इस दौर में कम लोग इस मसले को जानते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा आज के दौर में नहीं रहती क्योंकि दूध पिलाने की का वो रिवाज जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था दूध पिलाने का वो रिवाज अब नहीं रहा है अब तो मसला ऐसा हो गया है कि औरतें खुद अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं तो दूसरों के बच्चों को दूध क्या पिलाए तो अपने ही बच्चों के दूध पिलाने का मसला होता है कि ये बच्चे अक्सर जो है दूसरों के दूध पर पलते बढ़ते हैं अपने बच्चों को ही औरतें दूध पिलाना नहीं चाहती हैं वो मसाइल रहते हैं तो दूसरों के बच्चों को दूध पिलाने का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये मसला कहाँ से आएगा तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये रजात के ये मसाइल उस ज़माने में बड़ी कसरत से हुआ करते थे और इसका जानना बड़ा ज़रूरी होता था कि किसने किसको दूध पिलाया है क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो रिश्ते इसकी वजह से हराम होते हैं तो वो रिश्ते निकाह के वो रिश्ते वो कैसे जो है कहीं गलत तरीके से किसी के साथ निकाह ना हो जाए और पता ही ना रहे कि हाँ इनको इन्होंने इनको दूध पिलाया है तो ये बड़ा मसला होता है कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा मसला रहता है बहुत जो है परेशानी की बात होती है तो उस जमाने में दूसरी औरतों का दूध पीने का यानी अपनी माँ के अलावा भी दूध पीने का ये बड़ा आम चलन होता था बल्कि बाज़ औरतें जो है ये बच्चों को ले जा करके दूध पिलाने का काम करती थी बाकायदा वो दूध पिलाती थी उसके पैसे लेती थी और शहरों में ज्यादातर ये होता था शहर भी उस जमाने की आज के देहातों की तरह से लेकिन वैसे ऐसे कहा जा रहा है कि शहरों की आबादी जैसे मक्का है तो मक्के की जो आबादी थी तो उसके अलावा जो लोग बद्दू होते थे बिल्कुल देहातों में रहा करते थे उस जमाने के देहात आज के जमाने के देहात पुराने ज़माने के शहरों की तरह से तो ये औरतें जो देहातों में रहती थी ये आती थी शहरों में और आकर के बच्चों को हासिल करती थी कि कोई शख्स अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले करते तो लेके जाती थी तो ये बड़ी दाया होती थी जो कि दूध पिलाने की दाया कहलाती थी और पता रहता था कि यहाँ फलां ने दूध पिलाया है तो इससे रिश्तों का पता हो जाता था लेकिन इसके अलावा भी दूध पिलाने के मसाइल होते थे मैं आपको कुछ हदीसें याद दिलाऊंगा कि जो है हमजा रजी अल्लाह तहों की बेटी के ताल्लुक से एक मरतबा सलमा की बेटी सलमा रजी अल्लाह तहो की बेटी को लेकर के मसला आया की जो है बाज बीवियों ने अल्लाह के रसूल वसल्लम की बाज बीवियों ने ये जिक्र किया कि आप जो है उम सलमा रजी अल्लाह तहा की बेटी से निकाह करना चाहते ऐसी उड़ती हुई खबरें होती हैं लोगों तक फैलती रहती हैं एक भी यह गलत ख़बर थी जो फैल रही थी और आपकी बीवियों तक पहुँची थी तो असल में आपकी बीवियों में से उम हबीबा रजी अल्लाह तहा ये चाहती थी कि वो अपनी बहन का निकाह आपसे करा दे तो इसके लिए जब उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं चाहती हूं कि आप मेरी बहन से निकाह कर लें। तो आपने कहा कि ये कैसा जो है क्या तुम ये चाहती हो तुम्हारी ये ख्वाहिश है क्योंकि तो आम तरीके से औरतें तो ये नहीं चाहती कि उसका शौहर किसी और से निकाह करे तो उन्होंने कहा कि मुझे ये तो पता है कि मैं अकेले तो जो है आपकी बीवी बन के रहने वाली हूं नहीं आपकी दूसरी बीवियां होंगी ही होंगी रहेंगी ही रहेंगी ऐसा तो कुछ नहीं है कि बस अकेले में ही जो है अगर रहूं तो मैं ही अकेली रह सकती हूँ कोई मसला नहीं है जब दूसरी और बीवियां आपकी हैं दूसरी बीवियों दूसरी औरतों से आप निकाह करते ही हैं करेंगे तो आपका ये जो आपसे निकाह का खैर है शरफ है बड़ी बड़े शरफ की बात है ना कि कोई अल्लाह के रसूल वसल्लम की बीवी बन जाए कोई औरत तो उसके लिए ये बहुत शरफ की बात होती थी क्योंकि वो उम्मुल मुमिन हो जाती थी उसके बाद तो उन्होंने ये जो है जिक्र किया कि ये हमारे लिए बड़े शरफ़ की बात है कि जो है कोई भी आपकी बीवी बन जाए तो उसके लिए बड़ी शरफ की बात है तो मैं ये समझ रही हूँ कि जब ये इस शरफ़ और अकेले मैं ही तो आपकी बीवी बन के नहीं रह सकती आपकी दूसरी बीवियाँ रहनी ही हैं तो क्यों ना इस शरफ़ में आपकी बीवी बनने का जो शरफ़ है इसमें मेरी बी मेरी बहन ही शरीक हो जाए तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ तो अल्लाह के रसूल बरल बहन से क्योंकि दो बहनों को निकाह में नहीं रखा जा सकता वो जायज़ नहीं है तो आपने वो बताया तो फिर उन्होंने वो जो है एक बात आती है कि ये कहा कि हमने सुना है कि आप उम सन्हा की जो बेटी है जो अबू सलमा रदी अल्लाह तहो से थी और ये आ, आपकी रबीबा भी थी यानी वो छोटी बच्ची थी तभी सलमा स रजिय तह से निका हो गया था अबू सलमा रजी अल्लाह तनहो के इंतकाल के बाद जब इद्दत मुकम्मल हो गई उमसमा रदील्ल तन्हा की तो आपने निकाह का पैगाम दिया और उसके बाद ये निकाह हुआ था उस वक्त ये रबीबा कहलाती है यानी अल्लाह के रसूल के पास जब आई थी उम्मा तो अल्लाह ये बेटी छोटी थी तो आपके घर में ही परवरिश पाई थी तो इस लिहाज से उसको अरबी में रबीबा कहा जाता तो कहा आपने कि मेरी रबीबा है रबीबा ना भी होती तब भी आपने कहा कि उसके बाप यानी सलमा को और अल्लाह के रसूल रसुल्लम को एक लौंडी ने दूध पिलाया था तो ये रजात यानी सिर्फ वो मसला नहीं है कि जैसा आप सुनते रहते हैं तारीख सीरत में कि हाँ दाई हलीमा ने अल्लाह के रसूल अलीमा सादिया ने जो है अल्लाह के रसूल को दूध पिलाया था तो सिर्फ उन्होंने ही दूध नहीं पिलाया था इसके अलावा भी जो और भी जो है जिक्र आता है कि तो जैसे अब ये है उन्होंने अल्लाह के रसूल रसुल ने कहा कि खातून के ताल्लुक से एक लवड़ी के ताल्लुक से कि उन्होंने अल्लाह के रसूल रसुल को भी और सलमा को भी दूध पिलाया था उस लिहाज से तो वो बेटी हो जाती है ना दूध दूध पिलाने के लिहाज से दूध के रिश्ते के लिहाज से वो बेटी हो जाती यानी कराऊ बेटी जो है वो यानी भाई की जो है ये बेटी हो जाती है जिसे हम भतीजी कहते हैं उर्दू में तो उससे भी निकाह करना जायज़ नहीं होता है भाई की बेटी से निकाह करना जायज़ नहीं होता है तो दूध पिलाने के लिहाज से वो भाई हो गए सलमा अल्लाह तो ये कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में ये दूध के जो रिश्ते होते थे ना ये बड़े ज्यादा हुआ थे थे। और इस तरह से अपनी माँ के अलावा न जाने कितनी जो है औरतों के दूध ऐसे बच्चे पी लिया करते थे या पिलाती थी औरतें या उनको जो है दूध पीने के लिए दिया जाता था और ये चूंकि बच्चे की ये गजा दूध जो है ना बड़ी अहम गज़ा होती है बड़ी क़वत और ताकत उसमें होती है तो उस जमाने के ये बड़े आम थे और इसकी वजह से ये रजात के जो रिश्ते होते थे दूध पिलाने के जो रिश्ते होते थे इसका जानना बहुत ज़रूरी होता था उस जमाने में और उसका इल्म होना चाहिए कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने दूध पिला दिया और दूसरों को पता ही नहीं है अगर बताया ही नहीं है दूध पिलाने के बाद तो ये कभी उसकी वजह से जो रिश्ते मोहतरम हैं यानी उनसे निकाह करना जायज़ नहीं होता है कभी गलती से निकाह भी हो सकता है तो एक मरतबह ऐसा भी हुआ प्यारे नबी अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जब निकाह करने का इरादा किया एक शख्स ने औरत के साथ अब दोनों के निकाह की पूरी तैयारी हो पूरी तैयारी होने के बाद एक औरत आती है और कहती है कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया अब उस मौके पर औरत आकर के कह देती है कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया यानी अब दूध पिलाने के लिहाज से यह बहन भाई हो गए तो बहन भाई का रिश्ता तो हो नहीं सकता ये तो मुहतरम रिश्ता है तो महरम में ही आते हैं इसलिए वो निकाह जायज नहीं होगा अब वो दोनों चूंकि बिल्कुल तैयार थे रिश्ते के लिए और बिल्कुल जो है कह लीजिए कि निकाह का टाइम हो चुका था बिल्कुल जो है दोनों तरफ की तैयारी हो चुकी थी आज के ज़माने की तैयारी नहीं वो ना सोचिएगा उस जमाने के लिहाज से क्योंकि तो आजकल तो बहुत पहले से तैयारियाँ हो जाती हैं और बहुत कुछ हो जाती हैं जिसकी वजह से आन टाइम पर निकाह को कैंसिल करना का बड़ा मसला हो जाता है बड़ी इज्जत के मसाइल आ जाते हैं इसमें तो ये उस तरह की बात नहीं है वो भी जहन में रहे आप ये तैयारी जब उस ज़माने के लिहाज से कह लिए कि बिल्कुल दोनों निकाह के लिए तैयार थे और उस मौके पर आकर के इस औरत ने ये खबर दे दी अब जब ये मसला आ गया ये खबर जो है दे दी तो परेशानी की बात जो है दोनों के लिए अब वो आदमी बिल्कुल निकाह के लिए तैयार बैठा था अब उसने जो है उसको यकीन नहीं आ रहा था उसने ये कहा कि ये कैसे जो है मुझे तो नहीं पता है कि तुमने मुझे दूध पिलाया है जाहिर सी बात है कि छोटा बच्चा जो दूध पिलाने की मुद्दत होती है वो दो ही साल की होती है तो वो छोटे बच्चे को कैसे पता रहेगा कि हाँ फोला औरत ने मुझे दूध पिलाया ये तो पता नहीं होगा ना इसी तरीके से वो औरत वो भी उसको भी पता नहीं रहेगा वो भी छोटी ही ना रही होगी उस वक्त असल जो दूध पिलाने की मुद्दत होती है वो दो साल ही होती है तो ये उस वक्त दूध पिलाने की या पीने की जो मुद्दत है की जो मुद्दत कहलाती है उस मुद्दत में और सू लड़के को या लड़की को जिसने दूध पिया है उसको तो इल्म नहीं होगा ना इसके बारे में उसको पता नहीं होगा क्योंकि उसको उतना शोर तो नहीं है उस वक्त कि किसने दूध पिलाया किसने दूध नहीं पिलाया क्या हुआ कैसे दूध पिया तो अब ये मसला बड़ा मसला जो है आ जाता है उस खातून ने आकर के ये बात जिक्र कर दी फिर भी उन आदमी का दिल नहीं मान रहा था वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया आ करके बयान किया कि अल्लाह के रसूल मुझे नहीं पता है और कभी किसी ने जिक्र भी नहीं किया था इस तरह से तो ये चीज भी हो जाती है हो सकती है उस जमाने में ये मसला भी बड़ा जो है अहम माना जाता था कि कभी किसी औरत ने दूध पिलाया है किसी ये उस जमाने की बातें होती थी जब औरतों में इतनी हमदर्दी होती थी कि कभी कभी क्या होता बच्चा रो रहा है किसी और का है रो रहा है तो उसको उठाया दूध पिला दिया अब वो कितनी रजात से जो वो ये चीज साबित होती है वो मसला बाद में आएगा आपके सामने लेकिन तो इस तरह की चीजें भी उस जमाने में हो जाती ये सब मसाइल भी होते थे तो ये भी हो सकता है कि इनके माँ बाप ने भी कभी ना बताया हो कि आपको जो है फला औरत ने दूध पिलाया है ये भी मसला रहता है तो होता है ना कि घर के रिश्तेदारों को पता है कि फला ने दूध पिलाया है तो उन्होंने बाद में बता दिया और ये ज़रूरी होता है मैंने आपसे कहा ना कि ये रिश्ता चूंकि निकाह से ताल्लुक़ रखता है और रजात के रिश्ते से भी जो है वो रिश्ते जो नसब से हराम होते हैं और महरम में आते हैं और रजात से भी आते हैं तो उस लिहाज से ये जानना ज़रूरी है उस बच्चे के लिए कि उसको किसने दूध पिलाया है आम तरीके से माएँ दूध पिलाती है लेकिन ये उस ज़माने में नहीं था आम तरीके से ये चीज़ नहीं थी उस जमाने आज के ज़माने में ये चीज़ तो कभी भी मसाइल को समझने के लिए हमको उस ज़माने में जाना पड़ता है जिस ज़माने की बात होती है तो उस जमाने के लिहाज से इस मसले को हम पूरे तरीके से देखते हैं और पूरे तरीके से पढ़ते हैं तो इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि एक औरत भी अगर ये कह देती है कि मैंने दूध पिलाया है तो एक औरत की शहादत ये काफ़ी नहीं होती असल इस्लामी लिहाज से इस्लामी मसाइल के लिहाज से और ये तो सिर्फ एक दावा है उसमें उसको प्रूफ करना जैसे यार हम जो है जो कज़ा के मसाइल पढ़ते हैं शरीयत के अंदर कज़ा के मसाइल भी बाद में आपके सामने आएंगे यानी जजमेंट जो होता है जज के पास जाते हैं तो जज को जो जजमेंट देना होता है जो ये कज़ा के मसाइल कहलाते हैं कैसे फैसला किया जाएगा तो इस्लाम का जो तरीक़ा है फैसला करने में जब भी कोई शख्स कोई दावा करता है तो उसको अपने दावे में प्रूफ देना पड़ता है तभी उसका दावा माना जाता है ये एक बड़ा मसला होता है दावे में उसे प्रूफ देना पड़ता है तो ये एक दावा हुआ उस औरत ने कहा कि मैंने दूध पिलाया है तो यह उसका एक दावा अब इस दावे के लिहाज से उसकी बात हम माने कि उसने दूध पिलाया है उसका दावा है अब उसको प्रूफ जो है पेश करने के लिए कहा जाए जो इस्लामी तरीका है जजमेंट का तो यहाँ वो सब जो है नहीं वो कहाँ तक जो है प्रूफ पेश करेगी यहाँ ये भी नहीं रखा कि दो गवाह चाहिए या औरत सिर्फ कह रही है औरत तो की तो गवाही तो ऐसी मानी नहीं जाती अकेले भी और यानी सिर्फ औरतों की गवाही का भी मसला है एक मर्द और दो औरत की गवाही या दो मर्द जो मसाइल हैं गवाही को लेकर के विटनेस को लेकर के वो सारे मसाइल अगर आप यहाँ लाएंगे ना तो वो सारे मसाइल यहाँ पर फिट नहीं होते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फिर भी उस अकेली औरत की बात को कबूल किया रजात के मसले तो रजात का मसला इतना गंभीर है अब इसको इतना जो है इसको अहमियत जो है देनी चाहिए कि अगर औरत सिर्फ ये कह दे कि मैंने दूध पिलाया है उसका कह देना काफी बस ना उससे कोई प्रूफ तलब किया गया ना कोई और चीज क्योंकि तो अगर उसने कभी ऐसे दूध पिला भी दिया है अब वो कहाँ तक प्रूफ जमा करती है उस वक्त अब ये रिश्ता बहरहाल उसकी वजह से हराम हो जाता है अगर दूध पिलाया है और दूसरी जो लड़की जिस लड़की से निकाह करना चाह रहे हैं उसको भी दूध पिलाया है दोनों या जो है उस तरह से बहन भाई हो गए तो अब ये चीज़ें औरत के कह देने के बाद काफ़ी हो जाती हैं और फिर वो निकाह जायज नहीं रह जाता है तो यहाँ एक कायदा शरीयत का उस कायदे को ही अप्लाई किया जाता है वो कायदा क्या है क्या अब यहाँ हराम से बचने का यही एक तरीका है हराम से बचना क्या है यानी अरबी में उस कायदे को यूं कहा जाता है कि माला के अलिश्तनाब मिनराम के ही फतर कि अगर हराम से बचने की इसके अलावा कोई शक्ल ना हो कि सिवाय इसके कि उसे छोड़ दिया जाए उस चीज़ को छोड़ दिया जाए इसके अलावा और कोई शक्ल नहीं है हराम से बचने की तो उस वक्त उसका छोड़ना ज़रूरी हो जाता है वहाँ फिर वो कज़ा के पूरे मसाइल नहीं लाए जाएंगे कि नहीं ये सो साबित नहीं है और ये ऐसा नहीं है यहाँ क्या होता है एहतियात का पहलू होता है वो ये कायदा यहाँ पर अप्लाई होता है अब इस मसले को ले लीजिए कि अगर हम उस औरत की बात नहीं मानते कि उसने दूध पिलाया है दोनों को और वो औरत सच्ची है मान लीजिए ना इसको थोड़ी देर के कि औरत सच्ची है और हमने नहीं माना तो क्या होगा इससे कि उसने दूध पिलाया था ये रिश्ता हराम फिर भी निकाह करा तो अब ये ये रजाई बहन से रिश्ता जायज़ नहीं है ये हराम था इस हराम से बचने की शक्ल यहाँ पर यही है कि ये रिश्ता ना किया जाए यही शक्ल है इसके अलावा और कोई शक्ल नहीं है कोई आज तक हमारे पास ऐसा आला नहीं आया जिससे हम पता लगा सकेंगे कि यह औरत जो है सच बोल रही है या नहीं बोल रही है बाद में आप कहेंगे कि नहीं हम जो है उसका नारको टेस्ट लेंगे वो सब चीजें जो है बहुत दूर की बातें आम हालात की बात यह है कि हम उस औरत की बात को तस्लीम कर लेंगे शरीयत के लिहाज से उस औरत की बात को तस्लीम कर लेंगे और ये रिश्ता जायज नहीं रह जाएगा फिर उससे निकाह करना जायज नहीं रहेगा तो अभी मैं बहुत हदीस आपको सुना रहा था तो उस हदीस में फिर यही बात है कि जब औरत ने यह कह दिया कि मैंने इन दोनों को दूध पिलाया है तो वो आदमी वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्म की खिदमत में पहुंचे और कहा कि उस औरत ने दावा किया अल्लाह के रसूल मुझे तो नहीं पता यानी कभी अब उसको तो पता नहीं रहेगा जाहिर छोटा सा बच्चा था उस वक्त में लेकिन उसका कहने का मतलब यह है कि किसी ने कभी बताया नहीं ना मेरी माँ ने ना मेरे बाप ने ना किसी और रिश्तेदार ने कि फोला औरत ने तुमको दूध पिलाया है तो कोई इल्म नहीं है मुझे इसके बारे में तो आपने फिर भी कहा कि कईफा वद के यानी तुम ये निकाह कैसे कर सकते हो जबकि ये कह दिया गया यही है वो एहतियात का पहले इसमें तो इसमें सिर्फ उस औरत का कहना ही काफ़ी हो जाता है कि मैंने दोनों को दूध पिलाया है जो जो औरत जो है रज़ाई माँ है वो अगर कह देती है कि मैंने दोनों को दूध पिलाया है तो उसकी वो उस गवाही और उसका वो कहना इसकी हरमत के लिए काफ़ी बस उसी कायदे को अपनाई करते हुए इसको हराम माना जाता है तो ये रजात का मसला ये इस लिहाज से अहमियत रखता है तो इसे हमको समझना चाहिए रजात के मसाइल को जानना चाहिए तो मैं आपसे कह रहा था कि आज के इस ज़माने में रजात का उतना बड़ा मसला नहीं होता है क्योंकि औरतें अपने बच्चों को ही दूध नहीं पिलाती हैं तो दूसरे बच्चे बच्चों को दूध पिलाने का आम तरीके से मसला होता नहीं है और वो पिछले जमाने के जो रिवाज थे कि बाकायदा बच्चों को देहात में ले जा के औरतें दूध पिलाया करती थी उस देहात के माहौल में उनकी परवरिश होती थी फिर जब है दूध पिलाने की मदद खत्म हो जाती तब उनकी माओं के उनको हवाले किया जाता था जो चीजें चलती थी पहले जमाने में तो अब वो चीज़ें भी जो है, है नहीं उस तरह के तो मसाइल हैं नहीं अब और कोई भी औरत दूसरे के बच्चे को क्यों दूध पिलाएगी वो इस तरह का कोई काम जो है करती भी नहीं है लेकिन कभी मजबूरी होती है मजबूरी होती है मजबूरी की हालत में अभी भी बाज जगहों पर इस तरह की चीजें होती हैं बच्चे बच्चा छोटा है बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया पैदाइश के वक्त ही बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं तो ऐसी सूरत में अब तो खैर जो दूसरे दूध होते हैं उसी पर आम तरीके से बच्चे की परवरिश कर दी जाती है लेकिन जगहों पर अभी भी ये है कि अगर दूसरी औरत जिसको बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त या अभी चंद महीने पहले पैदा हुआ है जिसके अभी जो है छाती में दूध आ रहा है तो अपना दूध पिला देती है बात होती है और बात हो करके उसको अपना वो दूध जो है पिला देती है तो इसी तरह के मसाइल आते हैं आज के इस दौर में कभी कभी ये मसला भी आता है और वो बहुत कम है और वो अक्सर लोग मसाइल नहीं जानते हैं तो चीज़ें चलती रहती हैं वो मसला ये है कि दूसरे के बच्चे को लेकर के पाल लेते हैं खुद औरत जब बच्चा नहीं जन पाती है तो शादी के कई साल हो चुके तो आखिर में ये फैसला करते हैं कि हम दूसरे के बच्चे को लेकर के पाल लेंगे तो जब दूसरे के बच्चे को लेकर पाल लेते हैं तो यहाँ तो आम तरीके से हमने ये देखा है हालांकि इस पर हमने खुतबे भी दिए बहुत जो है दोनों वगैरह में भी बातें की लेकिन होता जो अमला ये है जो हमने देखा लोगों में कि बाकायदा जो बच्चे को पालते हैं लेकर के तो उसको अपना नाम दे देते हैं बाप के नाम की जगह पर अपना नाम माँ की नाम की जगह पर उस जो है जो लेकर के पाल रही है उसका नाम जो असल बाप है जो असल माँ है उसका नाम नहीं यहाँ तक कि निकाह के वक्त भी लोग ये सब नहीं बताते हैं और ये सब मसला रहता है और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आ, सरकारी तौर पर गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर भी इस तरह से नाम बाप के नाम की जगह पर अपना नाम लिख देते हैं और उस बच्चे को छोटे से ही यही बताया जाता है कि यही बाप है यही माँ है वो बच्चा भी बसाओकात ऐसा रहता है कि उसको पता भी नहीं है कि ये मेरे असली माँ बाप है या नहीं है जब ये बातें जो है कही गई तो लोग क्या समझते हैं उसके बाद कि नहीं अगर हम बोल देंगे उसको तो फिर वो हमको माँ बाप मानेगा ही नहीं तो हमारा पालने का मकसद क्या हुआ फायदा क्या हुआ फिर वो ये जो है इस तरह की चीजें लोग ये शरीयत के मसायल ये याद रखिए कि पालने से ना नसब का रिश्ता होता है न दूध पिलाने का रिश्ता होता है तो इस लिहाज से अब बाद क्या सिर्फ लड़कियां हैं तो किसी लड़के को लेकर के पाल लिया अब जब पाल लोगे तो अब ये जो दो जो लड़कियां हैं ना वो बहन भाई नहीं होते हैं उसकी वजह से यहाँ तक कि औरत जो घर में है वो उसकी माँ नहीं होती है तो जैसे ये बालिग हो जाएगा ना तो उसके बाद पर्दे के मसाइल आते हैं पहले से यह मसला नहीं मालूम होगा तो ये परेशानी होगी पहले से यह मसला अगर मालूम है तो ठीक है छोटे बच्चे को लेकर के पाले वो मुद्दत जो रजात की होती है दो साल की उसी मुद्दत में उस बच्चे को दूध पिला दे। अगर दूध औरत पिला देती है अपना तो इससे रजात का रिश्ता नसब का रिश्ता तो नहीं आएगा लेकिन रजात का रिश्ता बन जाता है जब रज़ात का रिश्ता बन जाएगा तो महरम का मसला ख़त्म हो जाता है मतलब ये हुआ कि अब औरत उसकी रजाई माँ है तो इसलिए पर्दे के का मसला नहीं आए अगर उसकी बेटियाँ हैं तो उसकी रजाई बहन हो गई तो फिर उनके साथ भी चूंकि निकाह जायज़ नहीं तो पर्दे का वो मसला नहीं आएगा तो ये महरम बन जाएगा उनका भी तो ये मालूम होना चाहिए ये मालूम नहीं रहता है तो परेशानी होती है ये दूध पिलाने का ये आज के दौर में कि कुछ लोगों को चीज़ें ये मालूम हुई है मसाइल मालूम हुए उन्होंने किसी और को लेके पाला था किसी और के बच्चे को या यूं कह लीजिए दूसरे अल्फाज में कि अपने बच्चे होने के बावजूद भी अब वो बच्चा यतीम हो गया था या बच्चा जो है माँ का इंतकाल हो गया माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया किसी हादसे में दोनों का जो है इंतकाल कर गए बच्चा छोटा है तो अपने घर लेकर के आए गए कि हम पाल लेंगे इसको तो अभी तो पाल रहे हैं बाद में मसाइल हो सकते हैं पर्दे वगैरह के घर में और भी जो है उनके जो है उनके अपने जो बच्चे हैं उनके साथ मसाइल होंगे तो ऐसी शक्लों में यही होता है, ये जो है कि दूध पिला दे दूध पिला देने के बाद ये मसाइल जो घर के अंदर तरबियत के जो मसायल होते हैं पर्दे के जो मसायल होते हैं वो मसायल ख़त्म हो सकते हैं तो इसलिए हमको इन सब मसाइल को भी जानने की जरूरत होती है आज के इस दौर पे भी अगर चेक किया वो पहले की तरह के रजात के मसाइल नहीं रहे तो मैं आपके सामने ये रजात के ताल्लुक से ये चंद बातें पेश कर रहा था ये सिर्फ बताना मकसद था कि हमको ये मसाइल भी जानना चाहिए रजात के ये मसाइल तो अभी आपसे बता रहा था कि कुरान में ये मसाइल तो बड़ी कसरत से जिक्र की कसरत से नहीं बल्कि जो है इसको मसला मसला रजात को जिक्र किया गया है तो कई मसाइल में जिक्र किया में का मसला एक और शक्ल होती है उसमें आता है वो निकाह के अलावा मसला ये होता है कि पहले के जमाने में ये मसला भी होता था कि शौहर और बीवी अगर अलग अलग हो जाए तलाक दे दिया शौहर ने या जो है बीवी ने खुला ले लिया दोनों में से जो भी शक्ल हो तो अलग अलग हो गए तो शिप्रेशन जिसे आजकल आप कहते हैं तो वो जो है अलग अलग हो गए और छोटा बच्चा अगर है या छोटी बच्ची दूध पीने की मुद्दत में है वो बच्चा या बच्ची जो है दूध पीने की मुद्दत में है और उस वक्त ये मसला अगर हो गया हो दूध पीने की मुद्दत में अगर ऐसी कोई शक्ल हो जाती है कि दोनों अलग अलग हो गए तो अब बच्चे को दूध पिलाने का मसला है औरत ये कह रही कि नहीं मैं बच्चे को दूध नहीं पिलाती और दूध पिलाने से उसने इनकार कर दिया तो ऐसे मसले में क्या होगा अब शौहर जो है नहीं ये भाई दूध पिलाओ आप तो वो दूध अलग अलग हो जाने के बाद इज्जत तो गुजर जाए तो वैसे भी सबके यहाँ अब शोहर के ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती है नफ्ते की और मैं पहले आपको बता चुका हूँ लेकिन अगर बच्चे की बच्चा छोटा है और बच्चे के दूध पीने की अगर मुद्दत है अभी जिसे मुद्दत रजात कहते हैं और औरत बिल्कुल इनकार कर रही है कि मैं नहीं पिलाती उस आदमी के बच्चे को दूध जबकि वो उसका अपना बच्चा बाद औरतें ऐसी भी होती हैं वैसे आम तरीके से औरतें जो है ये नहीं चाहती हैं वो खुद से दूध पिला दिया करती हैं और वो चाहती है कि बच्चा उन्हीं के पास रहे जब दूध पीने की मदद में लेकिन ऐसी भी औरतें होती हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए बच्चा मैं दूध नहीं पिलाती उसको या इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहती है कि इसके बहाने शोहर से ख़र्चा मिलेगा यानी सबक शोहर जो अभी तो नहीं रहा शोहर उसका लेकिन जो है पहले उसका शोहर था तो उससे खर्चा लेने तो ये भी कुरान के अंदर है कि अगर औरत बच्चे को दूध पिलाएगी इस मुद्दत में तो वो उसका ख़र्चा ले सकती है उसके लिए जायज है और जब ये मसला बयान किया अल्लाह तबारक तआला ने तो साथ में ये भी बात ज़िक्र की है कि इसमें किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंच किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए ये इस्लामी तरीक़ा है कहा जाता है कि लोग आम तरीके से दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं और इस्लाम में किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना ये जायज़ नहीं ये इसके लिए भी कायदा होता है उसको कहा जाता है लाभ वाला नुकसान उठाना भी नहीं है नुकसान पहुंचाना भी नहीं तो इस्लाम में ये है कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें यह जायज़ नहीं जो आज के इस जमाने में बड़ी कसरत से चीज होती है मजबूरियों से फायदा उठाते मजबूरी यहां पर क्या हो जाती है कि अगर बच्चा बच्चे के लिए दूध का बड़ा मसला है और ये औरत अब माँ है उससे बेहतर कोई उसकी ना देखभाल कर सके ना उससे तो दूध का मसला जो है तो उसके लिहाज से औरत ये देख रही है कि शौहर को मजबूरी है कोई और उसकी देखभाल करने वाला नहीं है और दूध पिलाने का भी मसला है तो चलो खूब पैसे आठ तो इसमें ये क्या हुआ शौहर की एक मजबूरी है तो उस मजबूरी से औरत फायदा उठाना चाहे तो उसके लिए भी जाए यानी जो आम खर्चा होता है जैसे मान लीजिए आज के दौर में एक पांच हजार रुपये खर्चा होता है तो अब वो पाँच हज़ार खर्चा वो जायज़ है उसको वो तलब कर सकती है और शोहर के लिए जरूरी होगा जो सबक शोहर है वो जरूरी होगा कि वो उसको अदा करे जो बच्चे का बाप है वो उसको अदा करे ये एक ज़रूरी चीज़ है ये जायज़ लेकिन नहीं अब चूँकि अच्छा मौका है इसको कोई परेशानी है ये छोटा बच्चा भी है और कोई दूध डाने वाला भी नहीं उसके घर में कोई ऐसी औरत भी नहीं है और साथ में उसकी देखभाल के लिए भी कोई ऐसी औरत नहीं है तो ये मौके से फ़ायदा उठा करके बीस हज़ार चाहिए महीने के खर्चे पच्चीस हज़ार चाहिए वो ज़्यादा मुतालबा कर सकते तो ये क्या हो गया कि सामने वाले की मजबूरी से फ़ायदा हो इस्लाम में ये जायज़ नहीं। इसके मुकाबले में शोहर भी कभी जो है जो सबक शोहर वो भी जो है उस औरत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है ये शक्ल भी हो सकती है कि वो भी उस औरत को नुकसान पहुंचाना चाहे उसकी क्या शक्ल हो सकती है कि अब वो जो है ये चाहता है कि माँ है माँ की ममता है माँ की ममता उसकी वजह से वो तो वैसे भी बच्चे की देखभाल करेगी ही दूध पिलाएगी मैं चाहे खर्चा दू आना क्योंकि तो वो माँ की ममता जो है ना वो ममता के हाथों मजबूर है और उस ममता की वजह से वो दूध पिलाएगी ही पिलाएगी इसीलिए ये साफ कहता नहीं नहीं मैं कोई पैसा नहीं देता तुम्हें पिलाना है तो दूध पिलाओ रखना है तो रखो ना मुझे हवाले कर दो पता है कि वो हवाले नहीं कर तो दूध पिलाएगी वो अपने पास ही रखेगी तो ये नुकसान पहुंचाने नहीं जो भी उसका खर्चा बनता है उस मुद्दत में वो उसका खर्चा उसे देना पड़ेगा उसको देना चाहिए ये बात बच्चे की नहीं है बच्चे का तो खर्चा उसको देना ही देना रहता है ये मसला असल में बच्चे की माँ का है जो अब उसकी बीवी नहीं रह गई तो वो माँ का खर्चा भी देना पड़ता है उसको देना पड़ेगा खर्चा तो एक मसला ये भी है कुरान में इसका भी जिक्र है अल्लाह तबारक ने रजात के मसले के मसले में जो बहुत जो कई चीजें जिक्र रखी है उसमें से एक मसला ये भी है तो इसमें भी रजात वाली वो बात आती है तो हम जब रजात की बात करते हैं सिर्फ ही के ताल्लुक से नहीं बल्कि बच्चे के दूध पिलाने का जो और दूध पिलाने की जो मुद्दत है एक औरत के लिए उस मुद्दत में अपने बच्चे को दूध पिलाना और जब मुद्दत ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वो दूध ना पिलाए वो भी मसला रहता तो उसकी भी एक मुद्दत है जो शरीयत में तो इसको मुद्दत को भी अल्लाह तबारक वाली ने जिक्र फरमाया है उसको भी बयान शरीयत के अंदर बयान किया गया है और उस मुद्दत से पहले ही औरत को चाहिए उसकी माँ को चाहिए कि वो बच्चे को दूध छुड़ाने की कोशिश करे ये दूध छुड़ाना भी उस जमाने में बड़ा मसला होता था आज के दौर में तो ये सब चूंकि पहले से ही दूध उतना नहीं पिलाती हैं तो उतना मसला नहीं और दूसरी चीजें जो है दूसरे दूध पर ही ज्यादा डिपेंड होता है तो उसको पहले ही से आदत पड़ जाती है तो उतनी परेशानी नहीं होती है लेकिन उस जमाने में तो वही माँ का ही दूध पीता था ना तो जब माँ का दूध छुड़ाने पर होता था तो माँ को बहुत परेशानी होती थी उसकी वजह से भी एक हदीस आती है न्यामन मुर्दिया कि जब औरत दूध पिलाती रहती है ना तो बच्चे बड़े मगर रहते हैं उसके साथ बड़े खुश रहते हैं दूध पीने को मिल रहा है और ये उनकी गजा है ना वो उनका पेट भरता है उससे आज के जमाने में दो चीजें खा लेते हैं वैसे भी पेट भर जाता है तो उस जमाने में वो बहुत ज्यादा उसके औरत अगर अपने से दूर करेगी तो बच्चा बहुत रोएगा क्योंकि वो दूध पीना है उसका तो जब वो दूध छुड़ाने की मुद्दत में आती थी तो क्या होता था बच्चा बहुत अपनी माँ को ये करता था कि जो है माँ उसको जबरदस्ती जो है अपने से दूर कर रही है अब दूध नहीं पिला रही है तो दूध छोड़ाना औरत के लिए बहुत मुश्किल काम होता था अपने बच्चे को वो ममता भी होती थी और दूध छोड़ाना भी है तो वो सब भी आते थे दूध पिलाने के ये मसाइल जो है उसमें ये चीज़ भी आती है तो बहरहाल अब हमारा जो मसला है वो यही है कि रजात का मसला मैंने कुछ तमहिदी बातें थी वो तो आपके सामने जिक्र कर दी है मैंने तमहदी बातें और ये बातें पेश करने का मकसद यही था कि आपको ये इल्म रहे कि रजात के मसाइल ये भी जो है शरीयत का हमारे एक बड़ा अहम बाब है और ये भी हमें जानना चाहिए तो इंशाल्लाह हम आइंदा दरस में आपके सामने रजात के ये मसाल ये तमहिद थी रजात के मसाइल की वो मसाइल आपके सामने पेश करना शुरू करेंगे सबसे पहले तो यही मसला होता है कि कितनी मरतबा दूध पीने से बच्चे की वो रजात जो है साबित होगी उम्र क्या होनी चाहिए और कितनी मरतबा दूध पीना चाहिए और दूध पीने की कैफियत क्या है किस लिहाज से दूध पीता है तो फिर ये चीज़ होती है तो ये इनशाला हम आइंदा हफ्ते आपके सामने जिक्र करेंगे आज हम आज का ये दरस यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे मैं आपसे जो है ये मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी मुझे आप इजाजत दे दें क्योंकि तो असल मुझे एक निकाह पढ़ाने के लिए जाना है वो बार बार फोन आ रहा है तो टाइम हो गया है तो मैं चाहूँगा कि मैं मुझे आप इजाज़त दे दें इन शा हफ्ते हम आपके सामने रजात का ये मसला लेकर के आएंगे आज का दरस इसी पर ख़त्म करते हैं सुबह निकल अस्तफ़िर